और नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार के लोगों को एक नई दिशा दी है और बिहार के लोगों को रोजगार के मुद्दों पर सरकार की तरफ से मिलती मदद का आश्वासन भी है। सरकार की तरफ से मिलती मदद की आश्वासन के साथ एक नई प्रयास, एक नई कोशिश और एक नया जहां आधार जोड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसे में क्या है वह महत्वपूर्ण जानकारी आइए समझने की कोशिश करते हैं। 24 के चुनाव से पहले लगातार जो है नीतीश कुमार विपक्षी दलों के एकता के मजबूती करने में लगे हैं। इधर नीतीश कुमार की एकता लगातार देखी जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई, जिसके बाद में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई और ईडी वालों ने समन भेज करके पूछताछ के लिए दफ्तर बुला लिया। जिस मामले पर विपक्षी एकता की बात कही जा रही थी, इस पर कहीं ना कहीं खबरें सामने निकल करके आने लगी कि ईडी और सीबीआई के दफ्तर में जो कुछ भी हुआ वह काफी बड़ा था, क्योंकि विपक्षी एकता जब जब करने के प्रयास हो रही है तब तब इसे बिगाड़ने का भी कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर कांग्रेस का समर्थन करते हैं, नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती है। इधर नीतीश कुमार ने भी 24 की तैयारियों करते हुए बिहार के 4400 सीटों पर लोकसभा के जीत के लिए अपने परचम को लहराने के लिए बड़ा वादा कर रखा है, क्योंकि आपको वादे के मुताबिक रोजगार देना था और रोजगार के मुद्दों पर उन्होंने स्पष्ट रूप से सबके लिए, जनता के लिए ये साफ कर दिया है कि रोजगार दिया जाएगा। रोजगार के मुद्दों पर साफ स्पष्ट है कि बड़ा पैमाना होगा और ऐसे में शिक्षक नियोजन भर्तियों को ला करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने युवाओं के अंदर ये भ्रम को दूर कर दिया है। जब युवा को लगता था कि ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, या युवाओं को ये लगता था कि रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि अब युवा रोजगार के लिए प्रेरित है और रोजगार उन्हें मिल रहा है। इस बात की खुशी है उन लोगों को कि हमें तेजस्वी यादव की तरफ से जो वादा किया गया, जो वादे करके हमने सत्ता में तेजस्वी यादव को बैठाया, वह वादा पूरा हुआ और वादों के मुताबिक चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने निकल करके आ रही है। खैर, अपनी राय भी कमेंट में लिख करके दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।